हेलो गाइस, वेलकम टू teased नेस। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अपकमिंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी एवेंजर 4 के बारे में। एवेंजर 4 एक ऐसा टॉपिक बन चुका है मार्वल फैंस के लिए, जिसमें कि घूम फिर के बात ये आती है कि पहला टाइटल क्या होगा और देन उसका टीजर कब लॉन्च होगा। और देन आज का अपडेट तो आप लोगों के लिए काफी कमाल का है, क्योंकि ये अपडेट दिया है केविन फाइगी ने। और केविन फाइगी ने एक छोटे से आर्टिकल में सिर्फ छोटी सी बातें कह के ये एक्सप्लेन कर दिया है कि हाँ, जल्दी ही हमें पहला टाइटल और पहला टीजर देखने को मिल जाएगा। तो केविन फाइगी बोलते हैं एवेंजर 4 के लिए कि हम सारे काम अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइम और शेड्यूल और कैलेंडर के हिसाब से करते हैं। तो केविन फाइगी का सबसे मोस्ट ऑफ फोकस जो था वो था कैप्टन मार्वल के लिए, क्योंकि कैप्टन मार्वल एक ऐसा टॉपिक है और एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि 10 साल में एमसीयू की टाइमलाइन में ऐसे एग्जिट कर रहा है जैसे कि गधे के सर से सींग गायब हो जाना एकदम अचानक। तो ये टाइमलाइन और जो इवेंट होगा ये मार्वल फैंस के लिए कुछ यूनिक होने वाला है। और कैप्टन मार्वल ट्रेलर जो आपके लिए सामने आया था वो काफी खतरनाक था। तो केविन फाइगी का कहने का मतलब ये भी था कि वो सबसे पहले कैप्टन मार्वल पे फोकस करना चाहते हैं और उसका पहला टीजर सफलतापूर्वक रिलीज करना चाहते हैं। और फाइनली जब वो रिलीज हो चुका है तो केविन फाइगी का नेक्स्ट अपडेट ये था कि वो अब एवेंजर 4 की नेक्स्ट टॉपिक पे काम करेंगे, यानी कि उसका टाइटल और उसका टीजर। तो हाल ही में अभी अक्टूबर चालू होने वाला है, कल 1 तारीख है, और देन अब हमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पहला टाइटल की घोषणा हो सकती है कभी भी, और समर में हमें पहला टीजर देखने को मिल सकता है। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एवेंजर 4 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, काफी सारी कास्ट देखने को मिलेंगी, काफी सारे डेड कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, और देन सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टोरी होगी, जो डैशबोर्ड होगा उनका, वो काफी रोने वाला होगा। तो कोई भी कैरेक्टर पुराना मर भी सकता है। तो हमें एवेंजर 4 में काफी कुछ कमाल का दिखने वाला है, और देन शायद हमें अपकमिंग न्यू एवेंजर्स भी देखने को मिल सकते हैं, या तो वो किसी के बच्चे हो सकते हैं, या तो आप स्कारलेट और विजन के देख सकते हो, क्योंकि टाइम ट्रेवल के हिसाब से हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत कुछ है एवेंजर 4 में देखने लायक। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही, पर जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का होगा, वो क्वेश्चन ये है कि ब्लैक पैंथर के इस सूट पर वकांडा लैंग्वेज में क्या लिख रहा है। अगर आपने ब्लैक पैंथर ध्यान से देखी तो आपको ये आंसर पता होगा। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर प्रोफेसर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।